सिंप्लीफिकेशन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ऊपर में क्या वैल्यू दे रखी है। अगर मैं 675 को x मान लूँ और इसको y मान लूँ, तो ऊपर में जो वैल्यू लिखा गया हमें, वो लिखा गया x का क्यू प्लस y का क्यू। अब देखो इसको हमने क्या मान के रखा है, x, इसको मान के रखा है y, ठीक है। तो नीचे में जो वैल्यू आ जाएगी क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। एक्स प्लस वाई, एक एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है आपका एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, और बटे में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। अब यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी, ऊपर में क्या बचा एक्स प्लस वाई, यानी हमें जो ऐड करना है 675 और प्लस में वाई क्या है आपका 325। जब हम इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा भाई आपका, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 5 10 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10, ये 1000 आ गया। अब आप कुछ लोग सोचेंगे 1000 आंसर मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, नहीं 1000 मार्क करोगे तो भाई गलत हो जाएगा। कैसे, नीचे में जो वैल्यू थी देखो, एक पॉइंट यहाँ पर था, यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, फिर यहाँ पर भी था, यहाँ तक ठीक है। यानी कि हमें अगर देखो कोई भी नंबर्स को अगर 5 × 5 पे मल्टीप्लाई करते हैं 5 × 5 से, तो जो भी नंबर्स आता है उसके बाद, यानी कि मान चलो यहाँ पर जो भी नंबर्स आया ठीक है, एक्स वाई जेड मान, एक्स वाई जेड डब्ल्यू जो भी नंबर आया, इसमें से हम क्या करते हैं पॉइंट जो होता है ना, यहाँ पर एक नंबर्स के बाद एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एक नंबर्स के बाद पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर दो पॉइंट यानी कि दो नंबर्स के बाद हमें जो दशमलव यानी कि जो पॉइंट होता है वो लगाना होता है। उस केस में भी हम यहाँ पर करेंगे, यानी कि अगर मैं जो भी यहाँ नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर हुआ होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट के ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ के एक पॉइंट के ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा। अब इसमें कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। तो अब जो हमारा नंबर्स आ जाएगा कितना भाई, अब जो नंबर्स आ जाएगा कितना, 100000, ये जो है हमारा आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आ रही है, आपको क्या देखना है भाई, अगर आपको ये पॉइंट नीचे में नहीं दिया रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नीचे में पॉइंट आ गया है और ऊपर में कोई भी पॉइंट का लफड़ा नहीं है, तो हमें इस नीचे से पॉइंट को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, देखो यहाँ पर दो नंबर से, यहाँ भी दो नंबर से, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे फिर भी वही नंबर से आएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर यही पॉइंट आएगा। इन सभी को पॉइंट को हटाने के लिए हमें डबल 10 से उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,